हाय फ्रेंड, मैं गीत अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये मेसी का 7250 है, जिसका मैंने ब्रेक को डिसमेंटल किया। ये टेफे कंपनी का 7250 ब्रेक को डिसमेंटल करने के बाद इसको असेंबल करने वाले हैं। ये ब्रेक पकड़ नहीं रहा था और कटाकट की आवाज़ कर रहा था। इसको क्लीन करने के लिए मैंने इसको डिसमेंटल किया था। अगर आप लोग मेरी चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को जल्द से जल्द मिलता रहेगा। मैंने क्लीन करने के बाद अब ब्रेक को असेंबल कर रहे हैं। ये फर्स्ट प्लेट डाल रहे हैं, ब्रेक प्लेट मैंने एक डाल दिया है। अब जो है इसका दूसरा स्टील प्लेट डालेंगे। ये इसका स्टील प्लेट है, इस टाइप से इसका स्टील प्लेट डालना पड़ता है। ये डल चुका है, फिर इसका ये ब्रेक डिस्क डलेगा। इसको मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। ब्रेक डिस्क डलने के बाद इसका प्रेशर प्लेट जो आता है ब्रेक वाला, उसको डालेंगे। ये ब्रेक बूट है, इसमें डलेगा इसका रॉड शाफ्ट। ये प्रेशर प्लेट है, ब्रेक प्रेशर प्लेट, इसको भी साफ कपड़े से मैंने पोंछ दिया है। पहले पेट्रोल से वॉश कर लिए थे, इसको भी मैंने डाल दिया है। ये रबर को भी जगह पे फिक्स कर दिया है। अब इसका फिर जो है एक ब्रेक डिस्क डलेगा। ये ब्रेक डिस्क डलने के बाद फिर जो है इसका स्टील प्लेट डलेगा एक। ये स्टेप से मैंने स्टील प्लेट डाल दिया, फिर इसका एक ब्रेक डिस्क डालेंगे। ये इसका ब्रेक डिस्क है। अब इसका बाहर वाला प्लेट लगाएंगे सिलिकॉन ट्यूब लगाने के बाद। ये रेसी बॉन्ड है, रेसी बॉन्ड, इसको मैंने लगा दिया है। अब ये प्लेट को हम फिट करने वाले हैं। इसमें 18 नंबर का टोटल बोल्ट है। फिट करने के बाद मैंने बोल्ट को लगा दिया है। बोल्ट को टाइट करेंगे। बोल्ट को टाइट कर दिया, इसके बाद इसमें जो है एक प्लेट लगेगा। इसको डस्ट प्लेट भी बोल सकते हैं, डस्ट भी नहीं जाएगा अंदर और स्प्रिंग पे भी तनाव बरकरार रहेगा। इस टाइप से स्प्रिंग रहेगा। स्प्रिंग के बाद एक वाइसर रहेगा, वाइसर के बाद एक नट रहेगा। इसको फिक्स करने के बाद मैंने पैडल को लगा दिया है, पिन भी फंसा दिया है टोटल चीज़, और ब्रेक को भी एडजस्ट कर दिया है कंप्लीट।